तो गाइस एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, जब आप पत्थर लगा रहे हैं तो जो हमारा काउंटर का फेस। आप मॉड्यूलर किचन बना रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आप दो तरीके से अपनी शेल्फ यानी कि मार्बल या पत्थर आप लगा सकते हैं। उसके आप आज के टाइम में क्या होता है आप देख रहे होंगे, तो हम दो तरीके से पत्थर को लगाते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो एक तरह सेल्फ पे लगाते हैं, सेल्फ डाल के फिर सीमेंट की, फिर उसके ऊपर से मार्बल लगता है और नीचे से पहले फिर बॉक्सेस बनते हैं। बट एक जो हमारा तरीका आजकल यूज़ करते हैं, तो आप पूरे पहले बॉक्स बना लेते हैं मॉडुलर किचन के, और किचन के ऊपर पत्थर रख देते हैं, मार्बल और ग्रेनाइट जो भी रखना होता है वो हम रख देते हैं। तो मैं उसी टॉपिक पे आज बात करने वाला हूँ कि कौन सी चीज़ अच्छी रहती है और कौन सी आपको नुकसान देने वाली है। तो आप वीडियोस को पूरा देखते रहें, वीडियो चलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी जो किचन का जो साइज़ है आप देख सकते हैं, यहाँ पर 15 फुट बाई 6 फुट का साइज़ है टोटल। तो जिसमें से हमारा जो पत्थर है, तो अभी जो देख रहे हैं आप, हमारा 10 फुट का यहाँ पे पत्थर आ रहा है, और 5 फुट इधर देखोगे तो यहाँ पे वैनिटी यूनिट आ गई, और इस तरफ आप अगर देखते हैं तो यहाँ पर हम माइक्रोवेव वाला सिस्टम जो भी बॉक्सेस है वो आ गए हैं। गाइज अगर आप इस तरफ अगर हमारी अगर किचन देखते हैं, तो हमारा जो पत्थर का साइज़ मैंने आपसे बताया 10 फुट हमारा जो है ऐसे लंबाई है, और ऐसे आप देख सकते हैं 6 फुट ऐसे है। तो अगर हम बात करें कि हम किस तरह से बेहतर होता है सेल्फ बनाकर हम रैक्स बनाएं, नीचे की तरफ बॉक्स बनाएं, कैबिनेट बनाएं जैसे आप समझ सकते हैं, या फिर हम अपना जो पत्थर है पहले बॉक्स बना लें फिर उसके ऊपर रख दें, तो मैं ये तरीका आपको बेस्ट बताने वाला हूँ, कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट होता है। गाइज आपने जो मटेरियल यूज़ करना है वो वाटर प्रूफ मटेरियल यूज़ करना है, जैसे कि HDHMR भी आप यूज़ कर सकते हैं, या तो कोई प्लाई अगर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी वाली आप प्लाई यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जो आपकी बैक साइड होती है उसके पीछे आप लैमिनेट ज़रूर लगा लें, उससे क्या होगा आप काफ़ी हद तक आप पानी से और सिलाब से और दीमक से आप बच सकते हैं। और गाइज अगर HDHMR आप यूज़ करते हैं तो काफ़ी आपको बेस्ट रिजल्ट इसको देखने को मिलेगा। तो गाइज हमने उसको जाम कैसे करना है, यानी कि हमने उसको कैसे यहाँ पे स्टॉप करना है, तो स्टॉप करने के लिए उसको फिक्स करने के लिए एरो टाइट आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एरो टाइट की मदद से हाँ आप उसको आराम से चिपका सकते हैं, और नीचे की तरफ आप जो देख रहे हैं इसके आगे 1.5 इंची जो आप जैसे देख रहे हैं 1.5 इंची मोटाई पत्थर की बना के यहाँ पे इसको ग्राइंड कर सकते हैं, यानी कि राउंड कर सकते हैं, देखने में काफ़ी बेस्ट लगता है। तो आप दोनों तरह से इस पत्थर को लगा सकते हैं, मैंने आपसे बताया आपका क्या नुकसान हो सकता है डायरेक्टली रखने से, और क्या आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो गाइस मैं जैसे कि साफ साफ शब्दों में आपको बताऊँ इसमें दोनों में क्या अंतर होगा, अगर आप सेल्फ डालते हैं तो नीचे वाले आपके हाइट में बॉक्सेस कम हो जाते हैं, यानी कि 27 इंची की हाइट तक बनेंगे, क्योंकि आपकी 6 इंच की सेल्फ आएगी, टोटल जो हाइट टॉप होता है 33 इंची हमारा स्टैंडर्ड साइज़ होता है जैसे कि आप जानते होंगे। बट अगर आप डायरेक्टली बॉक्सेस बना के अगर पत्थर रखते हैं तो उसमें क्या होता है 1.5 इंची आपका पत्थर आ जाता है, और आपके जो 31.5 इंची के आपके नीचे वाले जो रैग होते हैं ये आ जाते हैं। अगर साफ साफ शब्दों में अगर बात करें, आपको जो जगह होती है नीचे वाली तो वो आपको 4.5 इंची आपको प्लस मिल जाती है, बस अंतर इतना होता है ओनली। फॉर बात रही मजबूती की, तो गाइज इसमें भी आपकी अच्छी मजबूती आ जाएगी, और जो आप पत्थर वाली शेल्फ डालते हैं उसमें भी इतनी मजबूती आ जाएगी। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा पत्थर लग चुका है, यानी कि हमने जो यहाँ पे यूज करा है, हमने यहाँ पर कर रखी है नैनो टाइल्स, और एक आता है नैनो पत्थर, उसके अगर प्राइस में अगर डिफरेंस देखिए तो धरती आसमान का फर्क आपको देखने को मिलेगा। और क्वालिटीज में अगर हम फिनिशिंग में देखते हैं तो फिनिशिंग काफी हमारी अच्छी होती है, यानी कि आप देख सकते हैं ग्लॉस में हमारा पत्थर है और काफी अच्छी इसकी शाइनिंग है, जैसे कि आप देख रहे होंगे काफी अच्छी शाइनिंग में आपको देखने को नजर आएगा। और गाइस इस तरफ हमने टाइल्स दे रखी है, आप जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैं इसका प्राइस भी आपको बताने वाला हूँ अभी जो इसका प्राइस है। और अगर टाइल्स की बात करें तो 24 इंची हमारी हाइट है इसकी, और ऐसे 10 फुट हमारी चौड़ाई है, यहाँ पर 1/2 की टाइल्स हमने यहाँ पर यूज करी है। और यहाँ पर अगर इसकी थिकनेस की अगर पत्थर की बात करें तो 5 सूत, यानी कि 5 सूत अगर MM में बात करें 15 mm की हमारी यहाँ पे पत्थर की थिकनेस है, 15 × 30 mm हमने डबल टक्कर करके यहाँ पे मोल्डिंग बनवा दी इसको, यहाँ पर इस तरह से हमने यूज कर रखा है। तो चाहे तो हम नैनो व्हाइट भी आप यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप नैनो पत्थर भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे टाइल्स भी यूज कर सकते हैं। तो गाइस अगर हम इसकी प्राइस की बात करें 160-180 रुपए स्क्वायर फुट के लगभग हमारे को ये देखने को मिल जाता है, जहाँ पे अगर हम इसी जगह पर अगर नैनो पत्थर हम यूज करते हैं तो आपको 500-600
रुपए स्क्वायर फुट के लगभग आपको देखने को मिलेगा। तो चाहे तो आप डिपेंड करता है आपके ऊपर, चाहे आप कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, तो उसमें आपको पत्थर में थोड़ा अच्छी क्वालिटीज और देखने को आपको मिलती है, क्योंकि वो महंगा भी होता है और उस हिसाब से उसमें कुछ और भी आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी, उसकी मजबूती इसके मुकाबले थोड़ी अच्छी ज्यादा होती है। तो मायने ये रखता है आप किस तरह से इसको यूज कर रहे हैं। अगर आप अच्छे से इसको यूज करते हैं तो फिर आपके यूज के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसमें भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो गाइस जो मेरा मेन मकसद था आपको बताने का यही था, आप पहले आप सेल्फ डलवाएं, उसके नीचे काउंटर बनाए, पहले काउंटर बनवाकर आप उसके ऊपर पत्थर रखें। तो जैसे कि देख सकते हैं हमने यहाँ पर पत्थर रखा और पहले बॉक्सेस बनाए और उसके ऊपर हमने पत्थर रख रखा है, जैसे कि देख सकते हैं। इसमें हमारा एक फायदा हमारा हो जाता है, हमारे को यहाँ पे जंग वेस्टेज कम देखने को मिलती है। तो हमारे इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, अगर बॉक्स के ऊपर आप पत्थर रखते हैं तो जैसे कि इस तरह आप देख रहे हैं, इस तरह आपको नजर आएगा और आपको 1.5 इंची सिर्फ टक्कर नजर आएगी। और इसकी अगर हाइट की बात करें तो 33 इंची हमारी टोटल हाइट है, नीचे फर्श से लेके टॉप इसका 33 इंची है। और इसकी अगर हम बात करते हैं गहराई की, तो यहाँ 25.5 इंची का हमारा पत्थर है। तो गाइस एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, जब आप पत्थर लगा रहे हैं तो जो हमारा काउंटर का फेस होता है उससे आप थोड़ा पत्थर बाहर निकाल ले, यानी कि 12 mm या आप 18 mm बाहर कर ले, उससे आपको बेनिफिट ये होगा आपका जो पानी होगा वो फर्श पे गिरेगा, ना कि आपके बॉक्सेस पे। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। और जो आपकी जो सेल्फ होती है दूसरी वाली, तो आपको जो आप सेल्फ डलवा कर पत्थर रखते हैं और बाद में बॉक्सेस बनाते हैं, तो आपको कुछ इस तरह की नजर आती है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियोस आपको काफी अच्छी लगी होगी, अगर कोई कंफ्यूजन आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइस वीडियोस अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर आप पर क्लिक करें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो इस तरह का कंटेंट मैं चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय भारत।